हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे। और आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं RRB NTPC स्टेज वन का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। ये एग्जाम 28 मार्च 2016 को सीट 3 में हुआ है। इसका प्रीवियस 11 क्वेश्चन हम लोग पहले पार्ट में पढ़े हैं और बाकी के 11 क्वेश्चन आज दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। और वीडियो के शुरू में सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बगल की बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स में जानकारी मिलती रहे। और जितने भी RRB 2016 का स्टेज वन और स्टेज टू के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, मॉडरेट और टफ लेवल के सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं सॉल्यूशन विद क्यूकर अप्रोच अपलोड कर दूंगा। और कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स के, चाहे वो DI का हो, अर्थमेटिक का हो, या फिर नंबर सीरीज का हो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी टॉपिक हो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट इस ईमेल पे भेज दें, nishantmathematica@gmail.com। उसका सोल्यूशन मैं एक वीडियो के मार्फत बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन काफी इजी है, कुछ नहीं है, बस सॉल्व करना है। एक चर वाले एक घाती समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। इसको हम लोग बोलते हैं एक चर वाले एक घातीय समीकरण। वन लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब हुआ कि इसका y का पावर 1 है, और वेरिएबल का मतलब हुआ केवल इसमें y ही है। जैसे किसी किसी में होते हैं x+y और पावर 1 हुआ तो इसको हम बोलते हैं वन लीनियर विथ टू वेरिएबल्स। x² + bx + c = 0 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं एक चर वाले द्विघातीय समीकरण। इस प्रकार काफी इक्वेशन है पढ़ने को, लेकिन यहाँ पे हमें केवल वन लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एज ए नॉलेज पॉइंट इसको याद रखेंगे। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको इरेज कर लें। y+1/3 + y+2/5 = 3 है। ये होगा 5y + 5 + 3y + 6 = 15 15 = 45। तो ये होगा 8y + 11 = 45, 8y = 34। इसलिए y = 34y8 = 17y4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/4 + 1/4। ठीक है, इसको तो हम लिख ही सकते हैं, भाग नहीं देंगे, इसी से काम चला लेंगे। 16/4 1 + 1/4 = 0.25, तो टोटल हो जाएगा 4.25। इसलिए बी इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। बटन है जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंकों को भी जोड़ दिया जाता है तो औसत अंक घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथ साइंस प्लस इति हिस्ट्री का जो नंबर है वो 89 × 3 है, और मैथ प्लस साइंस प्लस हिस्ट्री प्लस लैंग्वेज जो है वो है 88.25 × 4 है। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करके अलग कहीं लिख लें। 7 इसको भी लिख लेंगे, 0 0 3 353। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो बचेगा लॉन्गवेज का, लॉन्गवेज का हो जाएगा 353 - 267, और ये होगा 6 और 8 86। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है।
यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ते हैं और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है? एक आयत है, एक आयताकार खेत है, लंबाई इसकी 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है और ये एक विकर्ण हो गया। अंकिता यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से यहाँ जाती है और फिर यहाँ से यहाँ आ जाती है, मतलब जो विकर्ण की लंबाई होगी उसका दुगुना ही अंकिता चलेगी, तो इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 50 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी आयत में जो विकर्ण होता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये होगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर विकर्ण। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1600 प्लस 900 बराबर रूट अंडर 2500। 2500 का रूट होता है 50, इसलिए 50 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 100 मीटर यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। ठीक है, कहा जा रहा है कि मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरा y है। जब एक संख्या को 5/3 से गुना किया जाता है तो क्वेश्चन है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो 5/3 बचता है। ठीक है, इसका मतलब x इज टू वाई हो गया 5:3, हम इसको मानेंगे 5a, इसको मानेंगे 3a, क्योंकि ये रेशियो में है इसलिए हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू मान लिया 5a और 3a है और क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों का गुणनफल है 375। तो 15a² इज इक्वल टू 375। 375 में हम 15 से भाग देंगे, 15 × 2 = 30, 15 × 5 = 75, 25 आने वाला है, तो a² आ गया 25, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5। और हमसे पूछा जा रहा है छोटा नंबर, तो छोटा नंबर होगा 5 × 3 इज इक्वल टू 15, क्योंकि छोटा नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन काफी इजी लेवल का है, इसमें सारे क्वेश्चन आज इजी लेवल के ही हैं। एक मशीन के निर्माण के मूल्य में सामग्री श्रम और अतिरिक्त खर्चों के बीच में बांटा गया और उनके अनुपात 5:3 और 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 149,500 रुपये है तो मशीनरी के मूल्य का पता लगाए, तब इसको सॉल्व करेंगे। यह हो गया इक्विपमेंट, यह हो गया लेबर और यह हो गया अदर। इसका रेशियो है 5:3:1 और कहा जा रहा है यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च, ये अतिरिक्त खर्च एक है और एक इक्विवेलेंट है 149,500 के, तो पूछा जा रहा है मशीनरी का मूल्य का पता लगाए। मशीनरी का पूरा मूल्य क्या होगा? इस तीनों का सम, तीनों का सम होगा 5, 3, 8, 1, 9, तो 9 इक्विवेलेंट हो जाएगा 149,500 × 9। इसको सॉल्व करेंगे, आने वाला है 0, 0, 5, 5, 9, 36, 36, 8, 44, 9, 4, 13, तो ये आएगा 13,455,000, जो कि ऑप्शन बी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 45,500 रुपये इसका पूरा मशीनरी का खर्च हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है,
किलो चीनी का क्रय मूल्य 75 रुपये है तथा 10 किलो अन्य किस्म के चीनी का क्रय मूल्य 180 रुपये है। उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100। यहाँ पे हमें एसपी गिवन है 300 रुपया और सीपी कितना होगा, 300 रुपया है 15 केजी का। अब सीपी निकालेंगे, सीपी कितना होगा, 5 किलो का है 75 रुपया और 10 किलो का 180 रुपया, तो टोटल होगा 75 प्लस 180 बराबर 255 रुपया। अब इस फॉर्मूला पर सीपी और इसको बैठा देंगे तो होगा 300 माइनस, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये होगा 45 बाय 255 इंटू 100, 5 से डिवाइड करेंगे इसको ये होगा 51, 951 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 51 9 और ये होगा 4 0, 7 टाइम होगा 7 या 3 होगा, तो ये होगा 3 और ये फिर हो जाएगा 3, ये कैंसिल होगा, पॉइंट देखिए 0, 6 टाइम होगा ये 6, 306, तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 2, फिर यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे अगर 5 टाइम लगाए तो होगा 5, तो लगभग यही आंसर आने वाला है 17.65, जो कि ऑप्शन बी है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15 वर्ष की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान मूल्य कितना है 60 लाख रुपया है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। ये सिंपल इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिख लेंगे जो इसकी वर्तमान कीमत है उसको, फिर 1 प्लस कितने परसेंट से बढ़ रही है, 15% से बढ़ रही है 2 वर्ष में, तो जो ये आएगा वही इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिया जाए तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे होता है एक इक्वेशन होता है, एक टर्म होता है M1 into D1 by W1 is equal to M2 D2 by W2, ठीक है, सॉरी यहाँ W2 भी लिख सकते हैं, W1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वर्क दोनों तरफ बराबर है तो इस W1 को W1 से काट देंगे। तो पहले कंडीशन में मैंने कितना है, 15 आदमी है और कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक है। और दूसरी स्थिति में क्या है वो भी देख लें, यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिया जाए, मतलब 25 आदमी लगा दिया जाए, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब इस एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 150 में 25 से भाग देते हैं सिंपली और ये हो जाएगा 6 टाइम टू वर्क 6 डेज में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन से बहुत लोगों को काफी परेशानी होती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसको भी सॉल्व करेंगे अभी और ध्यान से देखें इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। टोटल पर्सन है 70, ठीक है, किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है NA plus NB minus NA intersection B बराबर NA union B। इस सारे टर्म को बहुत ध्यान से समझेंगे। एन ए यूनियन बी का मतलब होता है इसमें ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी भी हो सकते हैं इसमें, नहीं ये नहीं होता है, इसमें ए और बी दोनों होता है। एन ए का मतलब होता है
at least A. एट लीस्ट बी, ये मैं किस लिए लिख रहा हूं ये मैं आगे बताऊंगा, और इसका मतलब होता है ए एंड बी। तो देखिए ए ए यूनियन बी कितना है, अब क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे, 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में, मतलब ए और बी दोनों जो कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोल सकते हो, 70 है। एन ए है 52 जो कि केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो 52 है। 26 केवल फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक है, और जो दोनों बोल सकते हैं वो हमें ज्ञात नहीं है, तो हमें फाइंड करना है। क्लियर, तो एक्स हो जाएगा 52 प्लस 26 माइनस 70, ये होगा 8 माइनस 70 इक्वल टू 8, जो दोनों बोल सकता है, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी होगा 8, मतलब जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं वो 8% है। तो पहला क्वेश्चन है कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, तो सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं ऐसा हमें पता नहीं है, तो इसको हम पता करेंगे वेन डायग्राम से। मान लेते हैं ये इंग्लिश बोलता है और ये फ्रेंच बोलता है, जो दोनों बोलता है वो 8 है, ठीक है, और 52 ऐसे है जो अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी बोलने वाले 52 है, मतलब ये पूरे रीजन 52 को डिनोट करेगा, ठीक है, इसलिए मतलब होता है एन ए का मतलब, जैसे हम बोल दिए नंबर ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब होता है एट लीस्ट इंग्लिश। एट लीस्ट इंग्लिश इसलिए इसलिए क्योंकि ये कम से कम इंग्लिश तो बोलेगा ही, और इसके अलावा जितनी भी भाषा वो बोल सकता है, क्योंकि हम लोग जब एन ई निकालेंगे तो इस पूरे रीजन को लेके चलेंगे, और ये पूरा रीजन अगर 52 है तो केवल इंग्लिश ये रीजन बचता है, और ये रीजन होगा 52 माइनस 8, तो ये होगा 44। इसी प्रकार यहाँ पे 26 जो है वो केवल फ्रेंच बोलता है, मतलब फ्रेंच बोलता है, तो 26 इस ये पूरा होगा, जो केवल फ्रेंच बोलने वाला होगा ये होगा ये 16। और कभी हम वेन डायग्राम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वो पार्ट हम फिल करते हैं जो सभी में कॉमन होते हैं, तो यहाँ पे कॉमन ये था, इसलिए मैंने पहले इस पार्ट को फिल किया, फिर बारी बारी से इसको और इसको फिल किया। क्वेश्चन काफी आसान हो गया है, क्वेश्चन को देखकर। पहला क्वेश्चन है कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, तो सिर्फ फ्रेंच 16 व्यक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो केवल 44 व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, और कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये 8 बोलेंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इजी लेवल का है, इसको भी सॉल्व कर ही देंगे, क्योंकि स्टेज 1 का लगभग क्वेश्चन इजी लेवल का ही होता है, लेकिन हम लोग इसको क्यूकर अप्रोच से बनाने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 1 बटा ए स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 2 में है, ए टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, नीचे में ए स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करना है, क्या होगा ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ये होगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 1, फिर इसको लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1, इसे ये कैंसिल होगा, और ये इसका सिंपलीस्ट फॉर्म होगा 1 बाई ए स्क्वायर, जो कि है मेरा ऑप्शन ए।